से 10 साल पुराना स्कूलों को लेकर के अब एक बार फिर मान्यता को लेकर के अपने सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा और ऐसा ना करने पर कार्रवाई भी होगी। फिलहाल इस पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया गया था जिसके अंतर्गत जो है वो 10 साल पुराने जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उनकी जो है वो मान्यता को एक बार फिर से रिव्यू जो है वो किया जाएगा और रिव्यू करने को लेकर जो है वो बाकायदा जो है वो तमाम निजी स्कूलों को जो है जो 10 साल पूरे कर चुके हैं या फिर 10 साल से अधिक साल जो है वो उन्हें हो चुके हैं वो उन्हें जो है वो ऑनलाइन माध्यम से जो है वो अपने पूरे दस्तावेज जो है वो अपलोड करने होंगे और ऐसी स्थिति के अंदर यदि कोई अपलोड नहीं करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और ये शिक्षा विभाग द्वारा ये आदेश जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भेजे जा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स को भी ये दस्तावेज जो है वो भेजे जा चुके हैं जिसके आधार पर अब जो है वो हरियाणा के निजी स्कूलों को एक बार फिर से मान्यता के दौर से जो है वो गुजरना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अगर हम जिक्र करें, निजी स्कूलों का जिक्र करें, तो हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा आज चंडीगढ़ पहुंचे थे। बाकायदा शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए वो चंडीगढ़ पहुंचे थे जहां पर उन्होंने शिक्षा मंत्री का इंतजार भी किया। लेकिन शिक्षा मंत्री के आज योग दिवस के उपलक्ष्य पर जो है विभिन्न कार्यक्रम थे जिसके तहत आज जो है वो शाम को जो है वो शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। उनका इस मामले पर वो साफ तौर पर कहना है कि यदि एक बार फिर से जो है वो मान्यता प्राप्त स्कूलों का रिव्यू जो है वो किया जाएगा तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा और सरकार को चाहिए कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न है कि जब एक साल से भी कम समय जो है वो चुनाव को लेकर है तो ऐसी स्थिति के अंदर एक बार फिर से जो है वो निजी स्कूलों को इस प्रणाली से गुजारने की जो है वो सरकार को कोशिश नहीं करनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐलान किया कि कोई भी निजी स्कूल जो है वो इस दस्तावेजों को जो है वो ऑनलाइन अपलोड नहीं करेगा और सरकार के इस फैसले के विरोध में खड़े होंगे। जी वही रवि, देखिए इस तरीके से 10 साल पुराने स्कूलों को फिर से मान्यता लेने का मामला, तो क्या किसी प्रकार की कोई ढिलाई सामने आई थी या किसी प्रकार की कोई कमी देखने को मिली थी जिसके बाद यह फैसला लिया गया या फिर भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के चलते यह फैसला लिया गया? देखिए, सरकार द्वारा जो है वो समय समय पर जो है वो फैसले लिए जाते हैं। यदि हम जिक्र करें तो सरकार और निजी स्कूलों के बीच में जो है वो काफ़ी टकराव जो है वो बीते दिनों भी देखने को मिला था। हालांकि उसको लेकर जो है वो निजी स्कूलों के जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो उनकी और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कई दौर की बातचीत भी हुई और कई मसलों पर जो है वो सहमति भी बनी, लेकिन कुछ एक मसलों पर जो है वो सहमति नहीं भी बनी। लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि निजी स्कूलों के अंदर जो सुविधाएँ जो उपलब्ध होनी चाहिए जिनके माध्यम से जो है वो शिक्षार्थी जो है वो अधिक से अधिक अच्छी शिक्षा जो है वो ले सकें, चाहे हम आईटी का जिक्र करें या फिर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करें। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो सरकार ये पुख्ता करना चाहती है कि निजी स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है वो सभी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल हैं या नहीं। और साथ ही साथ जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का यदि हम जिक्र करें तो एक ये भी एडवाइजरी जो थी वो जारी की गई थी कि स्कूलों के पास, खासतौर पर निजी स्कूलों के पास जो है वो एक मैदान जो होना चाहिए, उस मैदान का बाकायदा पैमाना जो था वो भी सेट किया गया था कि उस पैमाने के आधार पर जो है वो एक ग्राउंड जो है वो निजी स्कूलों के पास होना चाहिए था। लेकिन अधिकतर निजी स्कूलों के पास जो है वो ग्राउंड्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का यदि हम जिक्र करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी कई निजी स्कूल ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों में स्टेशन हैं और कुछ अर्बन इलाकों में स्टेशन हैं, जहाँ पर अर्बन इलाकों की यदि हम जिक्र करें तो अर्बन इलाकों में वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वो स्टेशन है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके पास जो है वो ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का यदि हम जिक्र करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काफ़ी पुअर सिचुएशन जो है वो निजी स्कूलों की है। लेकिन इस बाबत जो है वो सरकार जो चाहती है कि एक बार फिर से जो है वो 10 साल पुराने निजी स्कूलों की जो है वो मान्यता का रिव्यू किया जाए।